सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होंगे उन लोगों ने स्टोरीज देखी होगी और पता होगा कि मैं पिछले 15-20 दिनों से MG हेक्टर के साथ में बहुत सारी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस कार को मैं लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। पेट्रोल CVT वर्जन है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कार के साथ में, क्या अगर आपका बजट है 20 लाख रुपए का, आपको चाहिए कि ऐसी SUV जो कि कंफर्ट के मामले में सेडान को भी टक्कर दे दे, तो आज इस वीडियो को आप लोगों को एंडिंग तक ज़रूर से देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल रिव्यू ऑफ ऑल न्यू MG हेक्टर पेट्रोल CVT। करते हैं और लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाता है ये MG का लोगो जो कि क्रोम के अंदर दिया गया है। क्रोम सराउंड्स इसके अंदर दी गई है, इंसर्ट दी गई है और यहाँ पर कई सारा क्रोम का इस्तेमाल जो है वो कंपनी ने करा है। देखने में ये काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है वो दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स का भी काम करते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो जो हेडलैम्प असेंबली है अगेन LED के अंदर आप लोगों को मिलती है। फॉग लैम्प भी LED के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर इनकी हाउसिंग भी जो है वो कंपनी ने क्रोम में करी है। यहाँ पर से जो है वो आप इजेक्ट करके निकाल सकते हैं टोइंग हुक अगर इन केस कभी काम पड़ जाए तो। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और 360 डिग्री कैमरे के लिए फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर माउंट किया गया है MG के लोगों के नीचे। नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट जो बम्पर है वो काफ़ी बढ़िया दिखता है। ग्रिल वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी यूज़ करी है। अपर्चर एंगल जो है वो कार का काफ़ी अच्छा रखा गया है। ऑलमोस्ट 191 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं कोई परेशानी जो है वो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं आई है। बॉडी क्रीजेस आप देख सकते हैं कार के अंदर काफ़ी नीट एंड क्लीन, सिंपल, सोबर, 2-3 नंबर्स के अंदर ही दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कर्वी या AG शेप जो है वो बना दिया गया है। अब इधर अगर आप देखेंगे तो ये टायर साइज़ जो है वो अपडेट हो गई है फेसलिफ्ट वर्जन में। अब ये 18 इंचेस के टायर्स पर चल रही है कार, पहले 17 इंचेस के टायर आया करते थे। 215/55R18 टायर है, टायर प्रोफाइल गुडियर से लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये टायर मिलता है। MG का लोगो अगेन बीच में और ये ड्यूल टोन के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक दिए गए हैं कार के अंदर। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वगैरह इन सभी की बात अपन इस वीडियो के मेन पार्ट जो कि ड्राइविंग डायनामिक्स से रिलेटेड होने वाला है उसके अंदर करेंगे। और बॉडी क्लैडिंग ऑल अराउंड 360 जो है वो कार के अंदर मिलती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये आप लोगों को साइड मिरर्स मिलते हैं। अब की जो है वो बताने का टाइम आ गया है। तो की कुछ इस टाइप से मिलती है। अनलॉक, लॉक एंड बूट रिलीज जो है वो 3 फंक्शन के साथ में ये आती है। अगर अनलॉक करते हैं तो जो साइड ग्लास हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर इनके ऊपर कैमरा माउंट किया गया है। ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर, रूफ़ वगैरह सभी चीज़ें जो है वो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के अंदर आपको दी गई है। और काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इस कार के अंदर आपको मिलता है जो कि अंदर से अपन एक्सेस करके देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो विंडो एरिया है वो इस कार का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील जो है वो अंदर नहीं होता है, चाहे आप फर्स्ट रो में बैठे हैं चाहे आप लास्ट रो में बैठे हैं। अभी यहाँ पर अगेन क्रोम का इस्तेमाल किया गया है इस साइड में भी, अपोजिट साइड में भी, ड्राइवर साइड के डोर्स के अपोजिट साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर का बटन जो है वो मिल जाता है आपको। अब अंदर चल के अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन पूरी कार का लुक जो है वो अच्छी तरीके से ले लेते हैं। तो ओवरऑल शार्कफिन एंटीना ऊपर माउंट किया हुआ है। पीछे भी आप लोगों को डिफॉगर और साथ ही साथ ये वाइपर और MG का लोगो। यहाँ पर पहले एक नॉर्मल आप लोगों को एक रेड कलर की ऐसी प्लेट मिलती थी, उसको रिप्लेस करके ब्लैक कर दी गई है। ये काफ़ी अच्छा लगता है। वो टेल लैम्प को ज्वाइन करती थी पहले, वो अच्छी नहीं लगती थी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है वो दिखाई पड़ती है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, हेक्टर की बैजिंग यहाँ पर। पीछे भी आप लोगों को कैमरा जो है वो यहाँ मिल जाता है और नीचे आप लोगों को पार्किंग सेंसर्स जो है वो 4 नंबर के अंदर मिलते हैं। बम्पर को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है, देख सकते हैं। और क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर भी करा है। फेक यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगाया गया है, एक ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि रियल है, दैट्स ऑल। और जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ माउंट किया हुआ मिल जाता है। अब आपको इसके अगर बूट को एक्सेस करना है तो क्या करना है, अगर आपके जेब में चाबी है तो पास में ऐसे आप लोगों को खड़ा हो जाना है और डायरेक्टली जो है वो बूट आपका ओपन हो जाएगा।
रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, अगर आप चाहें तो उससे भी बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इधर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बूट से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मैंने मेरी फैमिली के साथ ट्रैवल करा है, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करा है अगेन, और ख़ुद का भी कई सारा लगेज लेके मैंने जो है इस कार के अंदर ट्रैवल करा है, तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आती है। 4-5 बड़े फुल साइज़ केबिन बैगेज जो है वो आप इसके अंदर रख सकते हो, और ऊपर आप लोगों को ये पार्शल शेल्फ मिलती है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती है कि उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता था, बिकॉज़ ये इतना लाइक कन्वीनियंट जो है वो फील नहीं होती है, फिर इसको निकालना पड़ता है आपको ऐसे और निकाल के फिर इसको रखना, और प्रॉपर कोई ऐसी प्लेस भी नहीं है कि उसको आप निकाल के रखो। अगर ये निकाल देते हैं तो ही प्रॉपर अच्छे बड़े साइज़ के बैगेज जो है वो इसके अंदर आ पाते हैं, ये एक चीज़ है। और साथ ही इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी है, सीक्रेट या बोल सकते हैं कि लाइक नॉर्मली आप लोगों को अब तो आजकल बहुत सारी कारों के अंदर मिलने लग गया है, तो मैं इसको उठाता हूँ। ये 7D मैट है, ये देख सकते हो। नीचे मेरे कुछ एक शूज़ रखा हुआ है, मैंने कई सारे शूज़ जो है वो यहाँ पर रखे थे, जो जो पहनता गया मैं निकालते गया यहाँ से, और टूल बॉक्स जो है वो भी आप लोगों को यहीं पर मिलता है, और जो स्टेपनी है वो भी यहीं से आप ओपन करेंगे। फ़िलहाल मेरे कैमरा एंड लैपटॉप बैग जो है वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और जो सीट है वो 60-40 रेशो में आप स्प्लिट कर सकते हैं, लगी वाली सीट को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, और इस वाली सीट को भी चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा सामान रहे तो इसको फोल्ड कर दो, कम सामान रहे तो उसको फोल्ड करके यहाँ पर दो लोगों को बिठा सकते हैं, तो 60-40 स्प्लिटेशन जो है वो दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को LED लाइट्स भी मिलती है, एक ही साइड है, दैट्स ऑल। हाँ, बट यहाँ पर कोई मतलब लाइक ऐसे चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट अगर मिल जाता ना दोनों में से कहीं एक साइड में भी, तो इन्फ्लेटर वगैरह लगाने के लिए थोड़ी सी आसानी जो है वो हो जाती। तो फिलहाल जो है मैं इसको क्लोज करता हूँ, इलेक्ट्रिक बूट को, सॉरी टेलगेट को, बस टच ऑफ अ बटन और ये हो गया बंद। अब आ जाते हैं अंदर, तो बैच कलर का इंटीरियर जो है वो आप लोगों को ऑफर करती है MG अपनी हेक्टर के अंदर। हेक्टर जो है वो सबसे पहली कार थी इंडिया में MG की, अभी तो एस्टर भी आती है, ग्लॉसर भी आती है, ZS EV भी आती है, 4 गाड़ियाँ आ गई है। ये जो नॉब है इसकी मदद से आप जो है वो इसका लाइक लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको पीछे करना है तो आप पीछे कर सकते हैं, आगे करना है तो आप आगे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे करके इसको पुश करके बताता हूँ आपको कि कितना पीछे जाता है। अभी देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें जो है वो बराबर लाइक वाली सीट और वाली सीट दोनों बराबर जगह प्लेस की हुई है, तो लगभग इतना आधी अंगुली से भी ज़्यादा का गैप जो है वो बन गया है, और सीट जो है वो काफ़ी अच्छी लेवल पे जो है वो रिक्लाइन हो गई है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर आपको आराम से सो के जाना है तो डेफिनेटली इस सीट को आप ऐसे रिक्लाइन करें और सोए सोए जा सकते हैं, बिकॉज़ फ्लैट फ्लोर यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करती है। लाइक कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा भी हम्प नहीं, बिल्कुल एकदम फ्लैट फ्लोर है, 3 लोग बड़े आराम से इसके अंदर जो है वो बैठ सकते हैं। 3 डेडिकेटेड हेडरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर एक चीज़ अच्छी लगी, अगर जब आप इस पे बैठते हो तो 2 कप होल्डर रखने के बाद में भी हाथ रखने की जगह जो है वो यहाँ पर आपको रहती है, तो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़िया दी हुई है। इसको बंद कर देते हैं, मैं अंदर आपको बैठ के बताने से पहले इस डोर से मिलवाना चाहता हूँ। इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं, बहुत बढ़िया कमाल का काम करते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लेदर रैप्ड स्टिचिंग्स काफ़ी बढ़िया कमाल की, 1 लीटर बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, और अगेन इन्फिनिटी का स्पीकर विथ बैजिंग। ये हार्ड प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट पैड जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है जब आप बैठेंगे तो। और अगेन मॉरिस गैरेज, आ जाते हैं अंदर। अंदर आना और बाहर जाना काफ़ी आसान है। ऊपर आपको क्या कुछ मिलता है, तो ये एक हैंडल मिलता है, यहाँ पर कोट हुक भी मिलता है, और एक LED लाइट मिल जाती है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मैगज़ीन होल्डर, जहाँ पर कई सारी जगह पेपर ही रखते हैं लोग, मोस्टली मैगज़ीन तो बहुत कम ही लोग पढ़ते होंगे। एसी वेंट, जिन्हें आप स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। उसके नीचे आप लोगों को एक USB पोर्ट मिलती है, और थोड़ा सा स्पेस मिलता है जहाँ पर अपने 2 फ़ोन को आप बड़े आराम से जो है वो रख सकते हैं, तो स्पेस की कहीं कोई परेशानी जो है वो नहीं है। सेंटर सीट पे भी आपको बैठ के एक बार बता देता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो यहाँ पर मुझे मिलता है, और ऊपर जो है वो आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा ये पैनोरामिक सनरूफ, जिसकी वजह से कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरी आपको फील होती है, थोड़ा सा भी क्लस्ट्रोफोबिक फील जो है वो आपको इस कार के अंदर नहीं फील होगा। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि आगे का ये जो डैशबोर्ड है वो कैसा है, और क्या कुछ फीचर्स वहाँ पर कंपनी जो है वो इस कार के अंदर ऑफर करती है। ओके,
कार थोड़ी सी हाइटेड है तो कुछ लोगों को शायद इसके ऊपर चढ़ने में जो है लाइक जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं उनको परेशानी हो सकती है। और कोई यहाँ पर ऐसे रनिंग बोर्ड नहीं दिया गया है जिसके ऊपर पैर रख के जो है वो ऊपर चढ़ा जा सके, आप चाहें तो वो एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हैं। अब जब कार से मैं दूर चले जाता हूँ, जैसे ये अभी अनलॉक करता हूँ मैं कार को, तो ये अनलॉक करी, अभी अगर मैं इस कार से दूर चले जाऊँगा तो खुद से ये लॉक हो जाएगी, वो जो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए। अंदर आके देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओके लाइट्स, तो अगेन ये सिल्वर फिनिश, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, विंडो लॉक सिस्टम जो है वो यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे, डोर लॉक अनलॉक जो है वो यहाँ से मैनेज करेंगे। अब नीचे अगेन आप लोगों के पास में 1 लीटर बॉटल होल्डर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं विद इल्यूमिनेशन, रात में भी यहाँ पर लाइट होती है और थोड़ा सा स्पेस आपके पास फिर भी बचता है इधर भी। और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी बॉटल पड़ी हुई है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल 6 वे एडजस्टेबल जो है वो ड्राइवर सीट मिलती है, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और अपना जो इंक्लिनेशन है, जो रिक्लाइनेशन है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको डेडिकेटेड फुट रेस्ट मिलता है, 2 आपको पैडल मिलते हैं, यहाँ से फ्यूल टैंक जो है ओपन करेंगे, यहाँ से बोनेट जो है ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। अब फ्यूल फिलर जो है अगर आप ओपन करते हैं तो अगेन 60 लीटर का टैंक यहाँ पर आपको मिलता है और इसको आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ये मेटल के अंदर दिया हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्विचेस जो हैं आप लोगों को मिल जाते हैं, ये मिरर्स फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए लेफ्ट और राइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ से आप बूट जो है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, ये हार्ड टच मटेरियल है। अगेन यहाँ पर डोर पेड जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल और काफ़ी अच्छी स्टिचिंग्स के साथ में दी हुई है। सीट्स की बात करें तो इन सीट्स से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, बस एक कंप्लेन है, ये गंदी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम पे आपको क्लीन करवाना पड़ेगा। इसके ऊपर आप कवर भी नहीं लगवा सकते हो बिकॉज ये जो है लाइक वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में आती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। कम्फर्ट ही इस कार की जो है USP है। अब मैं अंदर बैठता हूँ काफ़ी कम्फर्टेबली और आपको इसके डैशबोर्ड से जो है वो मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो अपनी सीट पीछे कर लूँ ताकि अच्छी तरीके से जो है वो आपको सभी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो राइट साइड में आप लोगों ने सारे फीचर्स वगैरह जो है वो समझ लिए, एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसकी ब्लोअर स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी का ट्विटर दिया हुआ है। ऊपर आप लोगों को ये सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे हार्ड टच मटेरियल ही मिलता है। स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड में कई सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल्स के मिलते हैं, MID वगैरह के टॉगल करने के फंक्शंस हैं। और राइट साइड में जो फीचर्स वगैरह दिए गए हैं वो आपके वॉल्यूम रॉकर्स हैं, सोर्स चेंज करना है, कॉल कट करना है, कॉल अटेंड करना है, वॉइस कमांड जो है उसके फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, बीच में MG का लोगो, और काफ़ी बढ़िया से स्टेयरिंग व्हील, इसको होल्ड करना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और स्टेयरिंग जो है आपकी हाइट और रीच जो है वो दोनों ही वे में एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिलती है। और राइट, पहले मैं इस कार को ऑन कर लेता हूँ। कार ऑन हुई है और एक फंक्शन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। जैसे अब कार ऑन हुई है तो यहाँ पर अगर AC चालू है या हीटर चालू है उसको मेरे को हाथों हाथ कंट्रोल करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को वेट करना पड़ेगा बिकॉज इस स्क्रीन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में उसको कंट्रोल करने के लिए, कोई स्विच वगैरह नहीं है। तो थैंक यू, अभी ये लोड होने में देखो उसने कितना टाइम लगाया बिकॉज मैंने रिवर्स में डाल के और वापस हटा दिया था। अभी यहाँ से मैंने इसको ऑफ़ करा, अब जो AC है वो ऑफ है। अब आप साउंड सुनो कार का, कार आइडल कर रही है अराउंड 900 RPM पे। अगर आप कान पे जोर दोगे तो आपको पता चलेगा। Today's weather is sunny, 26.7 degrees Celsius in Ratlam. Thank you. अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ रतलाम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके MID में ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है ये। और यहाँ पर कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो आपकी कार में हो और आप उसको बार बार देखते रहें। ड्राइविंग टाइम, रेंज कितनी है कार के अंदर, ट्रिप कितनी मैंने चला ली है फ्यूल टैंक कवर करने के बाद में, इवन दो मैं अब इसको रिसेट करना भूल गया, मैंने फिर से फ्यूल टैंक जो है वो कम्प्लीटली फुल करवा दिया है। ड्राइविंग टाइम क्या है और रेंज अभी क्या बता रहा है फुल टैंक के ऊपर, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। माइलेज के ऊपर भी अभी मैं आने वाला हूँ बाद में जब इसको मैं ड्राइव करूँगा। कितना इसके अंदर आप लोगों को टायर प्रेशर जो है वो है चारों टायर में वो बताता है। तो कई सारी फंक्शंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये
मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ़ोन की कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम वगैरह मिलता है। बट ट्रिप ए ट्रिप भी कुछ नहीं है, रियल टाइम माइलेज जो है वो यहाँ से हटा दिया गया, वो सिर्फ डीजल के अंदर बताता है। ये चीज़ बहुत गलत है, पेट्रोल सीवीटी के अंदर ये चीज़ कंपनी को देनी चाहिए। लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो है सारे कंट्रोल्स वॉशर वाइपर के मिलते हैं, राइट साइड में आपको सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं सेंटर कंसोल में क्या कुछ चीज़ें जो है वो कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर आपको ये काफ़ी बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये जो लाइक इस वे में जो ओरिएंटेशन इसका जो है, इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा दिखता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील करवाता है। लाइक जो भी कार के अंदर बैठता है ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहता है यार कितनी बड़ी स्क्रीन है इस कार के अंदर, मतलब लाइक बिल्कुल टेस्ला वाली फील जो है वो देती है। अब इसका जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो पहले से इंप्रूव हो गया है, इवन दो अभी और कुछ इंप्रूवमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इतना ज़्यादा फास्ट जो है वो ये वर्क नहीं कर पाता है, जैसे कमांड देने के बाद में इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, मिली सेकेंड का है, बट वो आपको फील होगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा फास्ट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे ये गाना ऐप है, ये ऑलरेडी मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ, तो क्यों ये फिर से इतनी देर तक लोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट जो है वो लोड हो जाना चाहिए, प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जानी चाहिए, ऐसी ये सारी चीज़ें मुझे जो है फील होती है। इवन दो जब गाना ऐप ओपन हो जाए उसके बाद में ये जो 4G कनेक्टिविटी वगैरह है उसके ऊपर रिलेट करता है गाना चल रहा है नहीं चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी जगह जो है गाना ऐप से गाने मैंने प्ले करे हैं और चल गए हैं, कहीं कोई नेटवर्क से रिलेटेड परेशानी नहीं आई है। नीचे आपको सारे कंट्रोल जो है एसी के यहाँ पर मिलते हैं, 360 कैमरा आप चाहें तो लगा सकते हैं, लॉक करना है स्क्रीन को आप कर सकते हैं, नेविगेशन इसके अंदर बिल्ट इन है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और वही नेविगेशन यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी बता देता है। साथ ही सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता है, ये हार्ड टच मटेरियल मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को जो है कोई लाइट नहीं मिलती है, लाइक पूरी एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर 8 कलर अलग अलग मिल जाते हैं, रात में देखने में माहौल रहता है इसके अंदर, बट ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट नहीं दी है, ये छोटी सी कमी जो है वो रह गई है इस कार के अंदर। इधर अगर आप आएंगे तो वायर्स जो है वो आपको बिखरे हुए मिलेंगे, बिकॉज एक USB पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करनी पड़ेगी, और यहीं पर बटन दिए गए हैं इसके जो वेंटिलेशन की सीट है उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये मोस्टली लोग जो है वो ढूंढेंगे कि कहाँ है, कहाँ से वेंटिलेटेड सीट जो है मैं वो ऑपरेट करूँ। एंड यहाँ पर ये गियर नॉब दिया हुआ है, फ़ोन मेरा रखा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग जो है वो ये सपोर्ट करता है तो मैं उससे भी काम कर लेता हूँ, बट एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे चलाने के लिए मेरे को वायर लगाना पड़ता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे अभी भी इस कार के अंदर नहीं है। और इधर मेरा GoPro चार्ज हो रहा है तो मेरे को एक वायर जो है वहाँ से लगा के आना पड़ रहा है, 2 कप होल्डर मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो ऑन ऑफ पार्किंग और 360 कैमरा और 2 डमी बटन जो है वो दिए गए हैं। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, अगेन अच्छा लगता है। नीचे कई सारा स्पेस जहाँ पर कई सारे फ्यूल की स्लिप्स और टोल की रिसिप्ट्स पड़ी हुई हैं जो कि मैंने इस कार के अंदर भरवाए हैं, कई सारे टैंक्स। इसकी स्टोरेज जो है वो भी डिसेंट है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव जो है वो किया जा सकता है। बाकी थर्ड्स वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया है, कार की ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको काफ़ी रफली भी यूज़ करा, कहीं पर कोई ऐसी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं, ऑटो डिमिंग IRVM काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। सनग्लास होल्डर जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये 2 लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, और काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो यहाँ पर कार के अंदर है, और इसी की वजह से जो है ये कार इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ना जब भी ये लॉन्च हुई थी, और लिटरली अभी भी काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर ये पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। इसको मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ, लाइक अगर ओपन करते हैं तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। इसको वापस से क्लोज कर देते हैं, ये वन टच क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा, आई डोंट नो, होना चाहिए, मतलब मेरे को फिंगर यहाँ पर प्लेस करके रखनी पड़ रही है। यहाँ पर वैनिटी मिरर विथ लाइट फंक्शन है, और इस तरफ भी आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में, ड्राइवर के लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल जो पूरा इसका इंटीरियर है वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी लगी, ग्लो बॉक्स के अंदर लाइट नहीं है। दूसरा कमी तो क्या है कि वो अपडेट होकर भी आ सकता है, वायरलेस चार्जिंग एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो मिल जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी पूरा इंटीरियर नो डाउट हर मामले में बढ़िया है, कम्फर्ट को देख लो, एयरीनेस को देख लो आप, स्पीकर्स इसके आप देख लो, हर चीज़ में कहीं कोई कमी आपको फील नहीं होती। सभी लोगों के लिए जो है वो प्रॉपर यूटिलिटीज़ बॉक्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, स्पेस सभी जगह बहुत बढ़िया है। तो ये है MG Hector का इंटीरियर, बैठने करने में ऑसम। अब चला के देखते हैं और चलाने में क्या कुछ मुझे फील होता है उन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो भी मैंने चलाया है वो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है सारा। अगर आप सपोज ड्राइवर से चलाते हैं, पीछे बैठते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? खुद चलाना पसंद करते हैं तो क्या ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है? माइलेज कितना देती है वो डेडिकेटेड अलग से माइलेज टेस्ट आपको मिल जाएगा, एक रफ अमाउंट जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। और बाकी AC वगैरह या कनेक्टिविटी या स्पीकर, ड्राइविंग डायनामिक्स, सस्पेंशन वगैरह, उन सभी से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए चलाते हैं
MG Hector Petrol CVT को। तो चलिए चला के देखते हैं Hector Petrol CVT को। इस कार को लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने चला लिया है और अभी सुबह से मैं चलाते हुए आ रहा हूँ और 550 किलोमीटर आज फिर मैं इसको चला चुका हूँ। तो मैंने इस कार को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करा है, जर्नी करी है इसके साथ, सोलो ट्रिप्स करी है ऐसी लंबी लंबी। मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट अभी 300 किलोमीटर और चल जाएगी, तो 850 किलोमीटर के आसपास कार ये सिंगल डे में आज मैं चला रहा हूँ। आते वक्त मैं जयपुर से जर्नी करके आया था और भी इंदौर वगैरह में शादी में गया था, मैंने सिटी में भी इसको काफ़ी अच्छा चलाया। तो लगभग सारे टाइप के टेरेंस पे, लोगों के साथ में, सोलो, कुछ सामान के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, हर तरीके से इस कार को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें करने पे, लाइक हैज़ अ पर्सनल व्हीकल यूज़ करने के बाद में Hector CVT पेट्रोल वाला जो ये वर्जन है, ये मुझे कैसा लगा और किन किन लोगों को मैं ये चाहूँगा कि ये रिकमेंड करूँ और किन लोगों के लिए दूसरे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो अपन रिव्यू में देखते हैं कि व्यूइंग एंगल जो है वो कैसा है। तो नो डाउट फ्रंट जो व्यू है वो काफ़ी कमाल का आता है, बोनेट आप लोगों को जो है वो दिख जाता है। दूसरा ORVM जो है वो आपको दिखने में छोटे लगेंगे बट जो काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से कर जाते हैं, तो आपको परेशानी जो है उससे रिलेटेड बिल्कुल आती नहीं है। और IRVM जो है वो काफ़ी बढ़िया है। पीछे वाला ग्लास इस कार का थोड़ा सा छोटा है तो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि व्यू जो है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर तीनों हेडरेस्ट ऊपर कर देंगे, तो अभी मैंने सेंटर वाला जान करके ऊपर करा हुआ है थोड़ा सा हेडरेस्ट, सपोज उसके अंदर कोई बैठा है या अभी अगर किसी का सिर आ जाएगा तो पीछे वाला व्यू जो है वो इतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, डिसेंट सा मिलता है, बट आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाता है कि आप किस तरह से जो है वो कार को मैनेज कर रहे हैं आपके पीछे अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो। लेफ्ट से लेके अगर राइट तक की बात करें तो ओवरऑल जो फ्रंट की विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जो रियर वाले व्यू से लाइक आपको लाइक रियर व्यू जो आपको देखना होता है वो आप इन मिरर्स के थ्रू जो है वो प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि जो कार का कंफर्ट है वो कैसा है, लाइक जो सिटिंग पोजीशन वगैरह है वो कैसी है एज अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। मैंने पीछे बैठ के भी जो है इसके अंदर राइड क्वालिटीज़ की एंजॉय करी, उसके बारे में बात करते हैं अपन बाद में, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर सीट जो है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है, लाइक यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी रीच में होती है। सपोज अगर स्क्रीन की बात करें तो सभी चीज़ें रीच में हैं, यहाँ पर सारे स्विचेज़ आपके रीच में हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट जो है वो सीट के लिए दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत जो है वो नहीं करती है करनी पड़ती है, काफ़ी कंफर्ट जो है वो ये कार के अंदर आपको रहता है। दूसरा CVT गियरबॉक्स है, तो यहाँ पर मेरे पास में फुटरेस्ट में सिर्फ दो ही पैडल हैं, एक्सेलरेटर और ब्रेक, तो एक फुटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो काफ़ी इजीली जो है मेरा लेफ्ट वाला पैर यहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है, राइट वाले फुट से जो है मैं कार को मैनेज कर रहा होता हूँ। और क्रूज़ कंट्रोल अगर लगा दिया जाए तो बात ही अलग हो जाती है। एंड दूसरा इसके अंदर जो गियरबॉक्स है, इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक सपोज अभी मैं ड्राइव में चला रहा हूँ, इको में चला सकता हूँ, मैन्युअली चला सकता हूँ, स्पोर्ट्स में शिफ्ट करके चला सकता हूँ, तो ये सारे ऑप्शंस भी जो है वो मिल जाते हैं। तो एज अ ड्राइवर अगर आपको कभी फन करने की इच्छा हो तो दूसरे सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं अर्गोनॉमिक वाइज कार कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रीच में तो मिलती है बट यहाँ पर AC के जो कंट्रोल्स हैं वो आप लोगों को डिजिटली ही मिलते हैं, तो लाइक आपको ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल करनी है तो इस स्क्रीन के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें मिलती है और इन्हीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। फिजिकल AC के बटन यहाँ पर नहीं मिलते हैं और इस चीज़ की मुझे कमी फील होती है, बिकॉज हर बार आप स्क्रीन पे अगर आपका ध्यान जो है वो हटता है और यहाँ पर आपको फिंगर लेके जाने के लिए जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ता है, तो वो एक चीज़ आपको लाइक कितना भी आप कार को यूज्ड हो जाओ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लाइक कहीं पर भी फिंगर लेके जाओगे, टच कर दोगे और सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे। चलो वो भी आप कर लो, इसका जो स्क्रीन है वो पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है बट अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो बचते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है ये, लाइक और ज़्यादा फास्ट जो है ये हो सकता है और ज़्यादा बढ़िया इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो हो सकता है, बट जो फीचर्स वगैरह हैं, नेविगेशन वगैरह, जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल करते हैं, लाइट्स वगैरह या एम्बिएंट लाइटिंग के कंट्रोल्स वगैरह, वो सब चीज़ें आप काफ़ी अच्छी तरीके से बैठे बैठे जो है सभी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे जो है वो कार की काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पर लगती है। दैट्स ऑल, अभी वायरलेसली यहाँ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वायर के थ्रू जो है वो फ़ोन को कनेक्ट करा है और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो मैं रन कर रहा हूँ। गाना का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर दी हुई है और कई सारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर सेटिंग्स रिलेटेड भी आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो स्क्रीन है उसके फीचर्स से मैं सेटिस्फाई हूँ बट उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो दे देना चाहिए
ताकि जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी ने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इस कार के अंदर दे दी है। जैसे कि सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है इसके पैनोरामिक सनरूफ, बट अभी धूप इतनी है कि मैंने इसके शेड को बंद किया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, कार चलाने में कैसी फील होती है। तो नो डाउट कार को ये जो 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, ये एक बार मोमेंटम गेन करने के बाद तो थ्रू आउट द जर्नी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करवाता है। कोई नॉइज़ नहीं, कोई हार्शनेस नहीं, कोई वाइब्रेशंस नहीं। एनवीएच के मामले में कार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सेगमेंट में अगर बात की जाए तो पेट्रोल के मामले में लाइक इस कार को मैं लाइक नंबर वन पे प्लेस करूँगा एनवीएच के मामले में। तो ये कार काफ़ी बढ़िया जो है वो फील होती है, काफ़ी साइलेंट जो है ये फील होती है। बट जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपको पहले से प्लान करना होता है। आपकी ये RPM जो है वो ऊपर जाते हुए दिखते हैं, बट आपको पावर जो है वो आती हुई इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। इवन तो अगर आप लाइक स्पोर्ट्स मोड में अगर मैं अभी डाल दिया है इसको, उसके बावजूद भी पूरा एक्सेलरेशन टैप करने के बाद में 5500 RPM तक कांटा चले गया है, बट पावर लीनियरली ही जो है वो आपको मिलता है। ये इंजन भगाने के लिए नहीं है, चलाने के लिए है या क्रूज़ करने के लिए। लाइक या तो आप सिटी में नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर लो, और आप इसको एक मोमेंटम गेन करने के बाद में, जैसे अभी मैंने 100 के 10 के आसपास की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस इंजन को आप अच्छी तरीके से क्रूजिंग के लिए जो है वो काम में ले लो। बट अगर आप सोचो कि एंथुजियाज्म लाइक आपके अंदर जो है और उसके हिसाब से अगर आप इस कार को चलाना चाहते हैं, तो पेट्रोल की जगह डीजल इंजन जो है वो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि हेक्टर जाके आप डीजल इंजन के अंदर ले लो। वो 170 BHP 350 NM वाला जो इंजन है फियाट चोज, कमाल का इंजन है और हेक्टर के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यूनअप किया हुआ है। ये इंजन आपको 141 BHP की पावर देता है, 250 NM ऑफ टॉर्क देता है, CVT गियरबॉक्स के साथ आता है, DCT गियरबॉक्स के साथ में भी आता है। और जो डीजल वाला इंजन है वो आप लोगों को जो है सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में मिलता है, पेट्रोल भी मैनुअल के साथ में मिल जाता है, बट डीजल जो है वो ऑटोमेटिक के साथ में नहीं मिलता है। तो ये जो है वो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों करा कंपनी ने कि पेट्रोल के अंदर दो ऑप्शन ऑटोमेटिक के दिए हुए हैं, डीजल में एक भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ मैनुअल ऑप्शन है, और पेट्रोल में मैनुअल ऑप्शन भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक दो मॉडल के अंदर ही आपको मिलते हैं। तो वेरिएंट जो है वो इसके अंदर कई सारे हैं, बट जो ऑप्शंस होने चाहिए वो थोड़े से और ज़्यादा बेटर जो है वो किए जा सकते हैं एज अ कस्टमर जो है पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मुझे लगता है। अब इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पांस वगैरह वो कैसा है, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं आती। लाइक अगर आप स्लो चला रहे हो, इतनी बड़ी कार है, इजीली मनूवर होती है, बहुत ही लाइट वेट जो है ये फील होता है। बट अगर सपोज ऐसे मैं हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये कार के अंदर जो है लाइक ये स्टेयरिंग में वेट आ जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो मोमेंटम आपका बना रहता है, और इधर या उधर करने पर आपके कार का अंदर जो फीडबैक है लाइक कोई भी डायरेक्शन में आप इसको पॉइंट कर दो, उधर जाते हुए आपको ये फीडबैक काफ़ी बढ़िया ऑन द स्पॉट जो है वो देती है। सपोज लाइक दिस, इतना सा करा कार टर्न, तो कंफर्ट जो है वो बहुत रहता है। लाइक स्टीयरिंग आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि घुमाना पड़ रहा है, हल्का सा बस इसको आप कमांड दे दो कि हाँ बस आपने हाथ इतना से इधर करा, कार जो है उस डायरेक्शन में प्लेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो स्टीयरिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया जो है कैलिब्रेशन इसके अंदर लगा। बट जब आप कर्व वगैरह पे होते हो, जब आप टर्न वगैरह पे होते हो, थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे होते हो, तो कार के अंदर बॉडी रोल भी शो होता है और स्टीयरिंग के अंदर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया सा वेट जो है वो आ जाए ऐसा फील होता है। ये एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है उसके अंदर किए जा सकते हैं, दैट्स ऑल। ब्रेक्स की अगर बात करें तो ब्रेक्स के अंदर भी आपको जैसे ओवरटेकिंग के अंदर प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, वैसे ही आपको ब्रेक्स के अंदर भी प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। 100 की स्पीड के आसपास अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली, जैसे अभी मैंने ये रोकी ब्रेक्स की बात करते से, ब्रेक्स लगाने का लाइक मौका मिल गया तो कार रुक जाती है। ओके, हियर वी गो, कम ऑन MG पावर। तो अब ये इंजन रेव करता रहता है, बट आपको उतनी ज़्यादा जो पावर है वो नहीं मिलती है, तो बस वो एकदम क्विक एक्सेलरेशन जो है वो आप यहाँ पर मिस करेंगे, और वो अगर मिल जाए तो बात ही बन जाए। बट ये इंजन रेव करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फ्यूल कंज्यूम करता है, और वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है। अब फ्यूल कंज्यूम ये ना करे, बहुत सारे लोगों को मोस्टली टाइम सिंगल डिजिट पे ही माइलेज देता है, उसका भी मैंने क्रैक निकाल लिया, बिकॉज कम से कम 7-8 बार इसका टैंक जो है वो मैंने फिल करा है, और इतना टैंक फिलअप करने के बाद में मेरे को पता चल गया कि इससे माइलेज कैसे निकाला जाता है, और वो भी डबल डिजिट में, चाहे आप सिटी में चला रहे हो चाहे आप हाईवे पे चला रहे हो, वो मैं आपको अभी आगे करके बता दूंगा। और माइलेज टेस्ट में आप वो चीज़ सारी डेप्थ में भी समझ लोगे। अभी ब्रेकिंग से रिलेटेड आपको पता चल गया है कि कैसे ब्रेक्स लगाने हैं और कैसे इससे काम लेना है। लाइक ये कार ऐसी आप इससे यूज टू होगे जब आप इसको चलाओगे, बट चलाने में नो डाउट काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी, चाहे आप ड्राइवर से चलाओ पीछे बैठोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब लाइक ये कार मोस्टली बनी है उसके लिए, अगर आपका ड्राइवर ही आपके लिए कार चलाता है, आपको शॉफर करता है, तो आप
पीछे बैठने के लिए तो इस कार को पेट्रोल इंजन के साथ में परचेस कर लो। चलाने के में बहुत ज़्यादा शौक रखते हो या मोस्टली आप चलाते हो तो फिर डीजल इंजन के साथ जाओ। इस इंजन के साथ में अगर आपको क्रूज़ करना पसंद है, आपके अंदर ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं है, ज़्यादा भगाना वगैरह आपको नहीं पसंद है, तो फिर आप इस पेट्रोल इंजन के साथ में जा सकते हो। चाहे आप सीवीटी के साथ जाओ, डीसीटी के साथ में जाओ या मैनुअल कंट्रोल के साथ में जाओ, मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा कि आप सीवीटी के साथ में ही जाओ, ताकि ये कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया गियरबॉक्स मुझे लगा। चाहे आप सिटी में चलाओ चाहे आप हाईवे पर चलाओ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, मैनुअल मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर आप जो है माइलेज इस कार से निकाल पाएंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। M8 स्टेप सीवीटी के अंदर दिया हुआ है। अभी मैं 110 पे चल रहा हूँ और RPM जो है अराउंड 1600 RPM पे, तो एक 1.5 लीटर का इंजन आपको 1600 RPM पे ही रख रहा है और 110 की स्पीड पे आप क्रूज कर रहे हो। इससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं है कि आप स्मूथली कामली रिलैक्स होकर कार को ड्राइव करें और कार से बढ़िया माइलेज भी जो है वो निकाल लें। तो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है आपको मैनुअल में शिफ्ट करके, और M8 लाइक 8 स्टेप जो सीवीटी है इसका सबसे टॉप वाले स्टेप पे जो है उसको डाल के रखना है, प्लीज़ कर देना है। अगर आप स्लो करोगे कार को तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स जो है वो खुद से डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी, तो वो भी खुद से मैनुअल गियर लाइक शिफ्ट करने के बाद में भी खुद से कंट्रोल जो है वो ये गियरबॉक्स कर लेता है। और जैसे अभी मैंने कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, फिर भी लाइक जो ये है M6 के अंदर आ गई है। मेरी आदत अभी मैं पीछे बैठा हूँ बिकॉज आपको प्रॉपर तरीके से व्यू जो है वो मिल जाए, और अपशिफ्ट करना है तो ऐसे आप अपशिफ्ट करके रखें और RPM डाउन रखें। तो इस कार के अंदर यही है अगर माइलेज निकालने की ट्रिक, जितना RPM आप डाउन रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो ये कार आपको रिटर्न करेगी। और मैंने इससे हाईएस्ट 12.8 KMPL का माइलेज निकाला है, लोएस्ट मत पूछो क्योंकि लोएस्ट आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, 7-8 के आसपास आपको मिलेगा लोएस्ट माइलेज। बट ऑन एन एवरेज अगर आपकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, आप रिलैक्स मैनर में कार को चलाते हो, 9-10 KMPL इज़ द माइलेज जो टैंक टू टैंक आप लोगों को ये कार रिटर्न करती है। बट मैंने मैक्सिमम माइलेज निकाल के देख लिया है तो मेरे को पता है कि इस कार से भी माइलेज निकाला जा सकता है। लोग ट्रिक्स यूज़ नहीं करते, लोग क्या करते हैं स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया और बैठे हैं बोल रहे माइलेज नहीं आ रहा, माइलेज आएगा कैसे। माइलेज निकालने के लिए आपको भी थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो एक चीज़ है। और हैज़ ऑफ नाउ एक चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी लगी, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर माइलेज रियल टाइम शो नहीं करता है, ट्रिप का माइलेज शो नहीं करता है। इवन दो ट्रिप ए ट्रिप बी भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं, सिर्फ सिंगल ट्रिप इसके अंदर दी हुई है और वो कितनी बार गलती से किसी ने रिसेट कर दी। तो मेरे को जो अपना ऑडोमीटर है उसी से ही लाइक देखना पड़ता है कि कितनी कार को मैंने जो है वो चला लिया है, मेरी ट्रिप जो है वो रिसेट हो जाती है। और फ्यूल पंप पे भी अगर आपको वापस से ट्रिप रिसेट करी और फिर दूसरे फ्यूल पंप पे जाना है और बीच में अगर किसी ने रिसेट कर दी तो ए या बी का ऑप्शन आपके पास में है ही नहीं, एक ही ट्रिप जो है वो आपकी रिसेट हो जाएगी। तो ये फीचर तो कम से कम कंपनी को यहाँ पर देना चाहिए था। और एक ये वेंटिलेटेड सीट के फंक्शन और USB पोर्ट जो वहाँ पे कोने में दी हुई है, इसकी भी जगह जो है कंपनी को अब चेंज कर देनी चाहिए इसका जो भी अपडेट आएगा उसके अंदर, बिकॉज ये बिल्कुल भी हैंडी नहीं है, बिल्कुल भी यूजफुल जो है वो फील नहीं होती है। दूसरा एम्बिएंट लाइटिंग इस कार के अंदर बहुत बढ़िया है, माहौल होता है रात में चलाने में इतनी प्यारी फील होती है ना, एक इसी मतलब बोलते ना कि अप क्लास लाइक नेक्स्ट लेवल सेगमेंट की प्रीमियम क्लास की कार आप चला रहे हो। 20 लाख रुपए इसकी एफ शोरूम प्राइस है, 19,90,000 रुपीज़ टॉप ऑफ द लाइन मॉडल की, और अगर आप लेते हो बेस मॉडल तो 13,90,000 रुपीज़ के आसपास का एफ शोरूम प्राइस पे ये पड़ता है। एज ऑफ नाउ जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्राइस ये है एफ शोरूम दिल्ली, मे बी पॉसिबल आप 5-6 महीने बाद या महीने भर बाद भी देखो और प्राइस रिवाइज हो जाए, तो नीचे कॉमेंट में आके ऐसे मत बोलना कि यार प्राइस क्या बताई थी और प्राइस क्या हो गई, मे बी प्राइस अब बढ़ेगी, कम तो नहीं होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेक, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग, व्यूइंग एंगल, कंफर्ट्स वगैरह, परफॉर्मेंस, सभी से रिलेटेड आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कार कैसी है, माइलेज कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, किन चीज़ों की कमी लगी वो भी बता दिया, क्या चीज़ें अच्छी लगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल अगर शॉर्ट में समरी दूँ तो जिन लोगों को इस कार को ड्राइवर से चलाना है या कंफर्टेबली राइड करना है, कंफर्ट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, साइलेंट केबिन चाहिए और एक बहुत ही प्रीमियम वाइब अगर आपको चाहिए आपकी कार के अंदर, चाहे आप यहाँ आगे साइड में बैठ रहे हो, पीछे बैठ रहे हो या ड्राइवर सीट पर बैठ रहे हो, तो हेक्टर आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है सेगमेंट के अंदर। इस कार को जब आप फील करते हैं तो ही पता चलता है कि ये कार कितनी बढ़िया है। और इन्फिनिटी का जो साउंड सिस्टम है लास्ट बट नॉट लिस्ट, कमाल का साउंड सिस्टम है। इसके कई सारे राइवल्स बहुत ही बड़े नेम या ब्रांड टैग के साथ में स्पीकर्स ऑफर करते हैं, उनको ये इतना खतरनाक वाला टक्कर देता है इन्फिनिटी का स्पीकर्स विद ट्वीटर्स एंड एम्पलीफायर्स विद सबवूफर्स कि
आप लाइक बोल सकते हैं कि जितना वो बढ़िया है उतना ये भी बढ़िया है, लाइक 1% भी ये कम नहीं है, 1% भी ज़्यादा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट टक्कर जो है उसके म्यूज़िक सिस्टम से मिलती है। मैं चूंकि म्यूज़िक लवर हूँ, मेरे को म्यूज़िक सुनना ऑल टाइम पसंद है, मैं अकेले जैसे इतनी लंबी लंबी ट्रिप कर रहा हूँ 800-1000 किलोमीटर की, तो मेरा साथ कौन देता है, म्यूज़िक ही देता है ना। तो मैं म्यूज़िक लाइक लगा के और इसको प्ले करने में जो मज़ा आता है, जो साउंड क्वालिटी आती है, मैं इन्जॉय करता हूँ थ्रू आउट द टाइम। ये सारी चीज़ें हैं हेक्टर के अंदर, आप लोगों को सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी रहता है मन में, नीचे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज डाल दो कि आयुष मेरे को ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, इस गाड़ी में अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपके लाइक चैट पर बात करके जैसा भी होगा अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे, एंड आपके लिए परफेक्ट कार चूज़ करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो डेफिनेटली उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि हेक्टर पेट्रोल किसको लेनी है तो अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो, जहाँ पर भी जैसे भी आप लोगों को कनेक्ट होना है मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर के अंदर अंदर आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँ, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आप अपने लिए परफेक्ट कार चूज़ करो, बेस्ट कार चूज़ करो। मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने लिए परफेक्ट कार जो है वो मिलनी चाहिए। और हेक्टर कैसी है आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आप लोगों के लिए ही मैंने इतने लंबे टूर पे इसको लेके गया और पूरा एक्सपीरियंस करा विथ फैमिली, विथ फ्रेंड्स, विथ सोलो ट्रिप्स। और इन सभी एफर्ट्स के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दो वीडियो के ऊपर, लाइक करते हो मोटिवेशन आता है, कमेंट कर दो। अगर इस वीडियो के अंदर और ज़्यादा आप चाहते थे कि इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे आगे, और जो रिव्यूज़ में ऐसे डेप्थ में करूँ उनमें कुछ और इंप्रूवमेंट्स करूँ, तो प्लीज़ हैज़ अ ब्रदर, हैज़ अ बिग ब्रदर, हैज़ अ फ्रेंड, जैसे भी लाइक मुझे गाइड करना चाहते हो नीचे कमेंट में या मैसेज में गाइड कर दो कि आयुष ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बेटर जो है वो इस वे में की जा सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंजॉय द जर्नी। Thank you.